हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जेई मेंस में हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कौन सा मोड सेलेक्ट करना चाहिए, दोनों की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेंस में ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कौन सा लेना है, उसमें मैंने बताया कि मैं वर्डिक्ट नहीं दूंगा, उसमें आपको ही अपने कंक्लूजन तक पहुँचना होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट की सिचुएशन डिफरेंट होगा। तो बट एनालिसिस के लिए जो कुछ पैरामीटर मैंने अपनी तरफ से सोचा है कि ये पैरामीटर हमें दिमाग में रख के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मैंने तीन पैरामीटर पे एनालिसिस करने का कोशिश किया। फर्स्ट इज़ ट्वेल्थ स्टडिंग और ट्वेल्थ पास, ये ठीक है। दैट इज़ बेसिकली ये बताने के लिए कि प्रिपरेशन लेवल क्या है। तो अगर एक बच्चा ट्वेल्थ स्टडिंग है, ठीक है, और उसका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, मतलब उसमें कुछ लूप होल्स हैं या फिर कुछ अभी आयरन आउट करनी है चीज़ें, देन आई विल से गो फॉर ऑनलाइन बिकॉज इट विल गिव यू वन एक्स्ट्रा वीक, ठीक है। और उसका ये मतलब भी नहीं कि मैं ट्वेल्थ वाले बच्चों को ऐसे बोल रहा हूँ कि आप ऑफलाइन लो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने के बाद जो टाइम बचता है उसमें मेरे को अभी प्रॉपर रिविज़न करना है, तब तो ऑनलाइन इज़ मस्ट। फिर तो मेरे को ऑफलाइन के बारे में नहीं सोचना चाहिए बिकॉज इट विल गिव मी वन एक्स्ट्रा वीक, ये ठीक है। और अगर तुम ट्वेल्थ पास हो और मेरा प्रिपरेशन लेवल भी ठीक ठाक है, देन ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ ऑनलाइन, ठीक। बट अगर मान लिया मेरे को प्रिपरेशन करना बाकी है, रिवीजन करना बाकी है, देन तो डेफिनेटली ऑनलाइन। बट अगर मेरा प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है, कुछ रिवाइज नहीं करना है, तो फिर ऑनलाइन और ऑफलाइन इस पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसे, ठीक है। देन ऑल्सो आई विल गो फॉर ऑनलाइन, ये ठीक है। अगर मेरे आगे जो दो फैक्टर हमने एनालिसिस किया बी और सी में, उसमें क्या आता है उसके हिसाब से, ठीक है। बी में फिर मैंने बोला कि अगर कोई बच्चा केवल मेंस का ही दे रहा है, ठीक है, उसको एडवांस में जाने ही नहीं है, तो अगर केवल मेंस का ही दे रहे हो और इफ़ यू आर नॉट गुड एट कंप्यूटर्स, ठीक है, और तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल ऑलरेडी अच्छा है, ठीक है, तो फिर तुम ऑफलाइन दे सकते हो, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अगर मान लिया मेरे को एडवांस भी देना है, ठीक है, और मेरे को पता है कि एडवांस केवल ऑनलाइन होने वाला है, तो फिर मेंस में मेरे को ऑनलाइन ही देने की कोशिश करनी चाहिए बिकॉज दैट विल गिव मी ए वेरी गुड प्रैक्टिस, ये ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि अगर मैं बोलूँ कि अभी मैं ऑनलाइन देने के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, कंफर्टेबल हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, देन ऑल्सो आई विल से कि ऑनलाइन सॉरी मेंस में बहुत सारे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हमारे 10-20% मार्क्स कम भी आए और अगर मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि आई विल गेट थ्रू मेंस, आई गेट थ्रू एडवांस, तो फिर अगर मैं अपनी आधी एफिशिएंसी से भी काम करूं तो भी मेंस में सिलेक्शन आराम से होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा फैक्टर आता है कि हमें कंप्यूटर से एक्सपोजर कितना है। तो जिस बच्चे को बिल्कुल ही एक्सपोजर ना हो, जो बिल्कुल कंफर्टेबल ना हो, उस बच्चे के लिए मैंने बोला कि रिस्क लेने के बजाय इट इज़ बेटर यू गो फॉर ऑफलाइन, और अभी से वैसे प्रैक्टिस चालू कर दें हम एडवांस की कंप्यूटर पर, और मेंस और एडवांस के बीच में जो टाइम मिलेगा, ये ठीक है, उसमें और प्रैक्टिस करें, तो एंड होप करें कि एडवांस तक हम परफेक्ट हो जाएं और फिर एडवांस में जाके ही रिस्क लें, ठीक। अभी से रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश की, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया, ये ठीक है, इन पर प्रकाश डालने का जितना भी मेरे को खुद समझ में आता है या फिर जो भी मेरे को एक्सपीरियंस है अभी तक का। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट आता है, कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय योर प्रिपरेशन, टेंशन वेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट।